अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। आज हम लेमन्स कुकिंग में मटन मलाई गोश्त लेके आए हैं। ये ग्रीन मसाले का गोश्त रहता है। ये इसके लिए मैं हाफ के जी मटन ले लिए, बोनलेस मटन है ये। 1 कप दही है, 1/2 कप क्रीम है ये। आप चाहे तो, अगर आपका नहीं क्रीम नहीं है तो मलाई भी यूज़ कर सकते, दूध पे की मलाई भी यूज़ कर सकते। ये कोथमीर पुदीना मैं वॉश करके रख ली। ये हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक का पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है, 1 नींबू है, 1 प्याज की डली है। ये प्याज को मैं अच्छी तरह से बारीक कट कर ली। मैं मीठा तेल है ये। अब बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। ये बोनलेस चिकन है, मटन है बोनलेस। अब इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। दही है 1 कप, दही ऐड कर देंगे। सभी चीज़ें इसमें ही मिक्स कर लेंगे अपन। क्रीम है ये 1/2 कप क्रीम है ये, क्रीम भी डाल दे रही मैं इसमें। ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये भी ऐड कर दे रही मैं इसमें। काली मिर्ची का पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाले का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सभी चीज़ें ऐड कर दी। ये हरा मसाला है, कोथमीर पुदीना ऐड कर देंगे इसमें। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मटन को अपन पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अपन अच्छी तरह से। इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त बन के रेडी होता अपना ये मटन कढ़ाई मलाई का गोश्त। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए कढ़ाई रख ली मैं, गैस ऑन कर दी मैं, कढ़ाई रख ली। अपन तेल डाल देंगे इसमें, तकरीबन 4 टीस्पून तेल डालेंगे अपन इसमें। तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। चलिए प्याज डाल देंगे, तेल अपना गर्म हो चुका है। 1 कप प्याज है ये पूरी। अब इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे प्याज का। चलिए अपनी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मीडियम आंच कर दे रही मैं इसका। थोड़ी सर की प्याज अलग से निकाल के रख देंगे अपन, सर्व करते वक्त अपने काम आती। ऊपर से डाल देंगे अपन थोड़ी सर की प्याज। चलिए अपनी प्याज हो चुकी है। अब साथ ही अपन ये अपना मिक्सचर डाल देंगे इसमें, मिक्स करके रखे इसे मटन का। अपन मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। मटन में अपन दही डाले 1 कप, 1/2 कप मलाई डाले, हरा मसाला डाले, कोथमीर पुदीना डाले अपन, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डाले अपन, हल्दी पाउडर डाले 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाले, 1 चम्मच नमक डाले, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाले। सभी चीज़ें डाल के अपन अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे। अब इसको अच्छी तरह से मीडियम आंच पे 5 से 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे अपन। इसको हिलाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी। फिर दही का पानी बहुत छूटता और पूरा गोश्त अपना अच्छी तरह से गल जाना नरम। जितना अच्छा गोश्त गलेंगे अपना मटन का सालन बन के उतना अच्छा रेडी होता। इसलिए अपन ढक्कन ढक के 5 से 10 मिनट्स तक मीडियम आंच पे रखेंगे इसको, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे क्योंकि गोश्त नहीं गलता और पूरे मसाले अच्छा लग जाना है इसको, वैसा करेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से सूख गया, पूरा अच्छी तरह से बन गया अपना गोश्त भी अच्छा गल गया। अच्छा भून लेंगे इसको अपन। देखिए कितनी ईजी रेसिपी है, कितना अच्छा बन के रेडी हुआ।
चलिए नींबू का रस ऐड कर देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नींबू के रस को अपन। बहुत इजी रेसिपी है, देखिए बन के रेडी हो गया अपना मलाई मटन कढ़ाई है। ये ग्रीन मसाले का है, ये पूरा 5 मिनट्स मीडियम आंच पे रख के अपन सर्व करेंगे। चलिए 5 मिनट्स हो गए, अब सर्व करूंगी मैं। सर्विंग बॉल ले ली मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा बना अपना खुश। उफो देखिए आप, चलिए देखिए सर्व कर ली मैं। इसमें 1/2 टीस्पून अपन घी ऐड करेंगे, प्योर घी जायके के लिए, बहुत टेस्टी बनता है ये। इसमें अपन प्याज तल के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें। चलिए अब ये मलाई है, अपन मलाई क्रीम ऐड कर देंगे जायके के लिए। चलिए अपनी रेसिपी बनके रेडी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी अपनी रेसिपी माशाल्लाह। चलिए अपनी रेसिपी बनके रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, दुआ में याद रखिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ कर दीजिए, अगर जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। चलिए अल्लाह हाफिज़।